फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड है, हम इसको कैसे भी कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। हमारे छोटे से नन्हे से ब्लॉगर अल्मोड़े का आज का मौसम आप जैसे कि देख सकते हैं कि कितने सारे बादल लगे हुए हैं और तेज बरसात हो रही है। What's up guys, welcome back to Nitin Vlog। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सवेरे सवेरे और भी हम ज़्यादा बच्चे को छोड़ने और पता कल मेरा ट्राईपॉड भी आया था, वो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं की है, सो आज घर जाके हम वही करेंगे। तो इनको छोड़ कर आती हूँ फिर मिलेंगे। ये देखो हमारे चूहे को, हमारे चूहे को देखो कितना सीधा बन जा रहा है आजकल, ये बहुत बुरा है आजकल। ये आप सभी से बात भी नहीं कर रहा ना, मैं आपके लिए व्लॉग बना रहा है, ये बहुत गंदा बच्चा हो गया है, अभी भी साइड स्माइल मार रहा है। तो जाते हैं इनको छोड़ कर आते हैं, मिलते हैं। अभी सारे काम हो चुके हैं और अभी मैं जाने वाली थी कॉलेज, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और अभी फ़िलहाल तो बारिश भी हो रही है। तो अभी मैंने शोभा को कॉल किया था, पहले तो हम जाने वाले थे लेकिन अभी फिर मन भी नहीं कर रहा था, मेरी तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो फिर मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। मैं ही नहीं बल्कि मेरे सारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी क्लासमेट्स हैं, वो भी नहीं जा रहे हैं। और अभी मैंने बनाया है नाश्ते पे दलिया और अभी पता आपको मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। अल्मोड़े का आज का मौसम आप जैसे कि देख सकते हैं कितने सारे बादल लगे हुए हैं और तेज बरसात हो रही है। शीशा भी गीला हो गया। तो ये देखिए खेत पेड़, इससे पहले से हमने बहुत टहनियाँ तोड़ी हैं, इसको हम क्रिसमस का पेड़ लेने वाले हैं हुए। और ये है आए छोटे छोटे खेत। ये बारिश के टाइम पर ना खेत वगैरह जब इतने प्यारे लगते हैं, उनका जो कलर होता है वो और भी ज़्यादा निखर कर आता है, बट जब बारिश से जो नुकसान होता है वो भी बहुत भयानक होता है। हल्की बारिश ही अच्छी है, तेज़ बारिश बहुत बुरी है। सो अभी हम चलते हैं अंदर, मैंने नाश्ते में बनाया दलिया तो वो भी खाते हैं। और ये देखिए आप, ऊपर से पानी आ रहा है। हाय मौसम, चलते हैं अंदर। सो गाइज, अभी मैं कॉलेज तो नहीं गई पर मम्मा लोगों का रहता है ना कि टाइम तो कहीं ना कहीं इनको वेस्ट नहीं जाने देना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैंक क्योंकि कसक लोगों की भी फीस सबमिट करनी है और मम्मा को भी कुछ थोड़ा काम है। और उसके बाद जाएंगे हम मेरे दांत का एक्सरे कराने, क्योंकि एक दांत मैं ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ पर दूसरे को थोड़ा बचाने की कोशिश चल रही है। ये मम्मा लोग इतने तेज भाग रहे हैं ना, अपना तो सामान घर पर छोड़ा ही पहले जो लाना था, और अब देखो मेरे को ऐसे छोड़ कर जा रहे हैं झमकी ठमकी। अभी हम हैं बैंक पे, तो मैं पहले जाती हूँ कसक लोगों की फीस सबमिट करती हूँ, फिर जाएंगे हम आगे को। बारिश हो रही है लेकिन बच्चे फिर भी दिख रहे हैं मार्केट में भी और ये रोड साइड पर भी। एक बात सुनो, एक हम ही है जो बारिश का बहाना बनाकर कॉलेज में जाते हैं। मौसी की भी आजकल तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो अभी हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट करवाने। अभी हम जा रहे हैं नॉट स्पाइसी हट मेडिकल हॉल। है आज कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं होगी काम? अच्छा ये मेडिकल हॉल से ऊपर को है जहाँ वो करना मेरा एक्सरे। सो
सो अभी हम आए हैं दांत का एक्सरे करवाने अपना, और अभी मेडिकल के ऊपर एक और फ्लोर है, वहाँ होंगे एक्सरे, कराते हैं बिल्कुल। क्या वहाँ? हाँ। सो अभी मेरे दांत का एक्सरे हो गया है और अभी मौसम भी थोड़ा थोड़ा खुल गया है, अब जाते हैं हम सीधे घर, क्योंकि सारे काम ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, तो मिलते हैं सीधे घर पे। आप यहाँ देख लो, अभी हम जाने वाले थे सीधे घर, लेकिन मैं छाता भी लाई थी तो वो सही करवाने दी है और उसमें भी टाइम लग रहा है, तो अभी हम आगे तक आए हैं। मम्मा लोगों ने राखी भी लेनी थी तो वो काम भी अभी करवा ही लेते हैं, तो ये लोग राखी देख रहे हैं, तो देखते हैं इनको कौन सी राखियाँ पसंद आती हैं। अभी हाँ और हैं, दिखाओ ये वाली भी, दिखाओ गोल वाली राखी ले ली थी मैंने, ये भी अच्छी लग रही है। लगानी लगना नहीं यार। So guys, आज फिर से हम स्पाइसी लेके पहुँच चुके हैं। मेरा आजकल पता है डेली डेली का हो गया, जब भी मार्केट आना होता है मैं यहाँ जरूर आ जा रही हूँ। सो अभी हमने बनाया मंगाए हैं पानी के बताशे और डबल चीज़ पिज़्ज़ा। मम्मा लोगों के साथ आई हूँ मैं, मम्मा लोग मेरी पार्टी करा रहे हैं। तेरी रोज ही पार्टी होती है। मेरी डेली डेली की पार्टी होती है आजकल जब जब मैं मार्केट आ रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 12:49 और पता है मैंने अभी लक्का को लेने जाना है। ओहो मैंने बताशे आ गए, बताशे बताशे, इट्स माय। कैसा हो रहा माई? और खाना है कुछ? और खाना है कुछ? एकदम मजा आ रहा है, मैं खाने में क्या उसने हाथ छोड़ दिया, मैं कह सबको देखे नानी वीडियो बना रही। पॉकेट से अभी हम लोग आ गए हैं और मम्मा लोग तो सीधे घर को ही गए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ लगता हो कसक्कु लेने। मैं सोची थी आज मैं कॉलेज नहीं गई हूँ तो आराम करूँगी, क्योंकि तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी, बट नसीब में ही नहीं है आराम। सो इनको फटाफट लेकर आते हैं। और पता अभी पापा ने खाना बना कर भी रेडी रखा है, और पता है उनको नहीं पता हम बाज़ार से खा कर आए हैं, तो घर जा कर भी खाना खाना ही पड़ेगा, अब मना भी नहीं कर सकते, अभी पापा के डांट पड़ेगी, पर पापा कहेंगे तुमने मेरे बताया कि नहीं तुम खा कर आ रहे हो। सो इनको लेकर आते हैं, घर जाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद आराम करती हूँ। थक गई कसम से यार, बारिश रुक गई है और यू कैन सी कितना प्यारा लग रहा है, हमारे जो नेचर है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बच्चों का अभी गेम्स पीरियड चल रहा है, लास्ट पीरियड, और यहाँ सबके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं अपने अपने बच्चों का। ओह कब आएगा हमारे लक्का? इसको देखो तो एक छुए को आ गए, हल्का हो रहा, क्यों दो कॉफी जमा है? चलो फिर चलो, नीचे उतर, नीचे उतर, उतर जल्दी, बंदर आ रहे हैं उनके पास, छोड़ाऊंगी नहीं तो। तो आज हम कसक को छोड़ा गए हैं। क्यों छोड़ कर आए? अकेला। अकेला? हाँ अकेला आएगी वो। अकेला आएगी? हाँ। नहीं 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 नहीं, बंद हो जा, देखो छाता बंद नहीं करने आ रही, टाइट होगी। इसकी दीदी को छोड़ाए हैं क्योंकि कस्सू आजकल लेट आ रही है, तो इसकी दीदी तो आ जाएगी, अभी हम इसी को लेकर आ रहे हैं और घर को जा रहे हैं। चलो सीधे देखो, सीधे देखो फिर। अच्छा आपको जीप दिखा रहे हैं। तो अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं और ये मेरा ट्राइपॉड आया है। सो फर्स्टली पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं।
देखिए हमारा ट्राइपॉड। तो ये है हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड और ये हमारा इसका माउंट है और इसके प्राइस ज़्यादा भी नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस है, मतलब इसको कोई भी परचेज इजीली कर सकता है। और मुझे बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जब मैं इधर उधर जा रही थी, तो मैं अपने ये वाला ट्राईपॉड तो नहीं ले जा पा रही थी, बहुत ज़्यादा बड़ा था। सो ये मैंने मंगा रखा है इसलिए, और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। सबसे पहले हम इसका माउंट लगाते हैं और एक बार चेक करते हैं कैसा है। ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा सही है। तो अब हम थोड़ा इसको देखते हैं क्योंकि ये फिक्सेबल ट्राईपॉड है, हम इसको कैसे भी कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, आप सभी देख सकते हैं। तो एक बार इसको कहीं ट्राई करते हैं, ऊपर छत में जाते हैं और फिर देखते हैं। चलो लका, हमारा लका कब से ज़्यादा वेट कर रहा है इसका कि मेहमत दीदी कब ओपन करेगी, कब मैं देखूँगा। तो एक बार हम छत पर जाते हैं, देखते हैं कैसा है, इसकी फ्लेक्सीबिलिटी कैसी है, एंड फिर आपको भी बताते हैं। सो अभी हम लोग छत पे आए हुए हैं और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, मतलब इतना नहीं लग रहा कि हमने हाथ पे कुछ हैवी सा लिया है, बहुत लाइट वेटेड है। और इसको कहीं पर एक बार रखते हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट लिया जाए। इसको कहाँ अरेंज करें हम लगा। सो अभी तो यहाँ पर कुछ अटकाने का मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा उधर है ना, वहाँ अटकाते हैं। चलो अभी मैंने फ़ोन अपनी रेलिंग पर अटकाया है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी तो अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे अभी इसका इतना भी डाउट नहीं लग रहा है कि ये गिर जाएगा, अच्छे से होल्ड होकर हो रखा है। और हमारे छोटे से नन्हे से ब्लॉगर को देखो तो ये सारी चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं अच्छे से। तो आप सभी को पहले अभी मैंने आज मॉर्निंग पर भी हमारे घर के सामने का व्यू नहीं दिखाया था, आप सभी को वो भी दिखाती हूँ। सो ये है अभी का व्यू। इससे पहले तो बारिश हो रही थी जब हम लोग मार्केट पर थे, लेकिन अभी मौसम फिर से साफ हो गया है। तो गाइस अभी मैं आई हूँ छत पर, उसके बाद मैं जब घर आ गई थी तो थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद मुझे हिम्मत नहीं आई थी व्लॉग बनाने की। तो अभी फिर पता मेरा सर पे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, अभी मैंने ऑयल डाला है, अभी देखो मेरे बाल कितने चप्पू चप्पू से हो रहे हैं। सो थोड़ा छत पे आई हूँ ठंडी ठंडी हवा खाने, थोड़ा अच्छा लगता रहा खुले माहौल पर आऊँ तो। आज पता मेरी कल परसों से ही तबीयत थोड़ी सी ढीली ढीली सी हो रही थी और आज भी मैं दिन भर जब मैं मार्केट में थी तब भी परेशानी तो हो रही थी। पर अभी घर आई, रेस्ट किया और अभी भी यही हाल है। सो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले ब्लॉग पर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।